मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद मानुषी छिल्लर भारत लौट आई हैं। उन्होंने बाद सोमवार को मुंबई में मीडिया से बात की। इस दौरान मानुषी ने कई सवालों के मजेदार जवाब दिए। जब मानुषी से पूछा गया कि पाकिस्तान में डिबेट है कि हिंदुस्तान से ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं वहां पर बुर्के में, इसके जवाब में मानुषी बोली, मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, हर लड़की बहुत ही सुंदर होती है। अपनी बाहरी सुंदरता का इस्तेमाल कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप किस देश से हैं, आप पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं। मानुषी ने कहा, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ खूबसूरती का नहीं है, ये खूबसूरत दिल का कॉन्टेस्ट है। आप अपनी खूबसूरती को समाज की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कॉन्टेस्ट इस बारे में है। आपके खूबसूरत दिल को आपका खूबसूरत चेहरा रिप्रेजेंट करता है। मानुषी के साल भर के प्लान के सवाल पर उन्होंने कहा, एक साल मैं बहुत सफर करूंगी, 4 द्वीप में जाऊंगी, मैं बाकी सुंदरियों से मिलूंगी, अभी बॉलीवुड मेरे दिमाग में नहीं है। मानुषी के मिस वर्ल्ड बनने के बाद एक सवाल सबके जहन में है, वह यह कि क्या मानुषी बॉलीवुड में एंट्री करेंगी। मानुषी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, फिलहाल मेरे दिमाग में बॉलीवुड नहीं है, मैं अभी बॉलीवुड में नहीं आना चाहती, मैं इस समय अपने सोशल कैंपेन पर फोकस करना चाहती हूँ, ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता लाने की ज्यादा जरूरत है। बता दें कि मानुषी प्रोजेक्ट शक्ति संचालित करती हैं, जो ग्रामीण महिलाओं में सैनिटरी पैड के प्रति जागरूकता लाने के लिए काम करता है। करियर चुनने के सवाल पर मानुषी ने कहा कि वे डॉक्टर का पेशा अपनाना चाहती हैं। बॉलीवुड फिल्में देखने और खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस के सवाल पर मानुषी ने कहा, सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस खूबसूरत हैं, किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। मानुषी ने कहा, मैं आमिर खान की फिल्म में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वे सोशल इश्यूज पर फिल्में बनाते हैं। मानुषी फिटनेस को लेकर अलर्ट रहने वालों में से हैं और उन्होंने कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य विद्या में प्रशिक्षण लिया हुआ है। मानुषी का कहना है कि हरियाणा की आन बान शान तो एक औरत ही है, लेकिन औरतों को आगे आकर खुद को साबित करना होगा। बता दें कि ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा से लेकर डियाना हेडेन तक अब तक 6 भारतीय सुंदरियों को मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। मानुषी ने लड़कियों को एक खास टिप भी दिया। मानुषी ने कहा, अपने ड्रीम को कभी न छोड़ें। शुक्रगुजार हूं कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आप सपने न छोड़ें। बता दें कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानुषी से पूछा गया था कि किस प्रोफेशन को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और क्यों। उनका जवाब था कि एक माँ को सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, और जहाँ तक सैलरी की बात है तो इसका मतलब रुपयों से नहीं बल्कि सम्मान और प्यार से है। मानुषी के इस जवाब की दुनिया भर में काफी चर्चा है।